कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो असम के सिलचर पहुंचे और यहां मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। यहां से राहुल गांधी मणिपुर के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले जिरीबाम जिले में जबरदस्त गोलाबारी हुई है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 घंटे तक फायरिंग होती रही। जिरीबाम के गुलारथल इलाके में कुछ अज्ञात हमलावरों ने सोमवार तड़के 3:30 बजे फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। फायरिंग सुबह 7 बजे तक जारी रही। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। असम के बाद राहुल मणिपुर का दौरा करेंगे। मणिपुर की चूराचांदपुर और इम्फाल में हिंसा प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा राहत शिविरों का दौरा करेंगे और PCC नेताओं से भी मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए जनता का धन्यवाद करेंगे। मणिपुर की दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। यह उनका मणिपुर का तीसरा और पूर्वोत्तर में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला दौरा है। मणिपुर करीब 1 साल से छिटपुट हिंसा की चपेट में है। 6 जून को हिंसा की हालिया घटना हुई थी। राहुल ने लोकसभा में भी मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया था। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हर जगह गए लेकिन मणिपुर नहीं गए। पिछले साल 3 मई को जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। मणिपुर में यह हिंसा तब भड़की थी जब मैताई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। मणिपुर में जातीय हिंसा को शांत कराने के लिए ना जाने कितने जतन किए गए, पर मामला अभी भी गंभीर है। आए दिन यहां गोलाबारी की घटनाएं आती रहती हैं। सिलचर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने यूथ केयर सेंटर थलाई में राहत शिविर का दौरा किया। इस दौरान असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने राहुल गांधी को ज्ञापन सौंप कर उनसे संसद में असम में आने वाली बार हमासी बाढ़ का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। असम से बाढ़ से बुरा हाल है। अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। असम में बाढ़ और बारिश से अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। 29 जिलों में बाढ़ से कुल 23 लाख लोग प्रभावित हुए। ब्रह्मपुत्र नदी नमिती घाट, तेजपुर, ग्वालपाड़ा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी सहायक नदियां भी कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के कारण हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई। राहुल गांधी लखीमपुर से बाढ़ राहत शिविर जाएंगे और वहां शरण लिए हुए लोगों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने शनिवार को असम में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। बाढ़ से जूझ रहे हमारे भाई बहनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हम शोक संतप्त परिवारों के साथ गहरी संवेदना जताते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद करने की भी अपील की है।